आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला है। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इमेज का लिंक दे दिया, इसके बाद काइन मास्टर अप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ बताता हूँ इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए एक वीडियो आपको शूट करना होगा। इस टाइप के वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो कोशिश आपको करना यही है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आसमान दिखे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। वीडियो कलर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल से वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है। जैसे देख सकते हैं हम इस साइड की तरफ देख रहा हूँ, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने गूगल क्रोम से एक इमेज को डाउनलोड कर रखा हो तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस इमेज का लिंक मिल जाएगा। इसे आपको इनेबल करना है, सिंपल से इसे क्रॉप पे क्लिक कर देना है और इसके बाद इस तरह से आपको इस इमेज को क्रॉप कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है, क्लिक करना है। इसे आपको इस तरह से जूम कर कर अब यहाँ पे आपको सामने बिल्कुल एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद ओके करना है, इस लेयर को सिंपल से इस तरह से बड़ा कर देना है। इसके बाद वीडियो का आगे तरफ लेकर आना है। आप देख सकते हैं हम इस साइड देख रहे हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, फिर से हमें इमेज समय सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस इमेज के फिर से हमें क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें सेकेंड इमेज को क्रॉप कर देना है। इस तरह से क्रॉप कर लेना है, तो बिल्कुल आसानी से आप क्रॉप कर सकते हैं। और इसके बाद इसे हमें बिल्कुल सामने आपको सेट कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसे हमें फिर से हमें साइज़ बड़ा कर देना है। इसके बाद वीडियो का आगे तरफ लेकर आना है। अब देख सकते जैसे हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इमेज सेलेक्ट करना है, फिर से हमें इसे क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर हमें थर्ड इमेज को क्रॉप करना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इस तरह से इसे हमें नीचे की तरफ लेकर आना है और आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। करेंगे जूम कर सक जूम यहाँ से कर लेना हल्का और इसे आपको इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। हमारा चारों इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद करना क्या है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे हम गन शूट कर रहे हैं, गन शूट करने के बाद जैसे ख़त्म होता है तो हमारा यहाँ तक ही ख़त्म हो रहा है, क्लिक करेंगे और इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो सिंपल हमें फटाफट ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा इमेज जो है ट्रिम टू राइट हो चुका है। तो सिंपल जैसे यहाँ पर गन जो शूट करेंगे आपको काफ़ी ध्यान से गन आपको शूट करना है, यहाँ पर साउंड आपको काफ़ी ध्यान से मैच करना होगा। पिक्सल लैब से मैंने बना रखा हूँ, तो आप भी चाहे तो इस तरह से आप बना सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन देखने में लगेगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आना है, इसे पॉप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इसे देख सिंपल इसे मैं रोटेट होता हूँ तो सिंपल इतना तक ही हमें लेकर आना है, घूमने तक ही। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसे हमें ट्रिम टू राइट कर देंगे। लास्ट वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे हमें डुप्लीकेट यस लेयर ले लेना है। लास्ट पॉइंट पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस वीडियो को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें मीडिया पे आना है। मैंने गूगल क्रोम से एक इमेज को डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इस इमेज को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इसे हमें इक्वल कर देना है। इसके बाद इसका हमें कुछ सीन कुछ पार्ट हमें चाहिए, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो का आगे तरफ लेकर आना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इसे हमें इस तरह से फुल साइज आपको कर देना है। इसके बाद इसे हमें इक्वल कर देना है, तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे हमें डिलीट कर देना है। इसके बाद इस इमेज को भी हम चाहे तो ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, 2 से 3 सेकेंड रखना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा वीडियो देखने को मिल जाता है। इसके बाद इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले कर देना है।
इसके बाद इसे डन कर देना है, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको इस तरह से जूम कर लेना है और आपको इसे सही तरह से आप एडजस्ट आपको कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो को आपको जब भी शूट करना है तो आपको कोशिश आपको यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आसमान आसमान आपको दिखना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रॉपर वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस वीडियो को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पे हमें आइडियो भी ऐड हो चुका है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एच डी 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा वीडियो जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।